हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे बैंगन मसाला, ढाबा स्टाइल बैंगन मसाला, महाराष्ट्रियन स्टाइल बैंगन मसाला बनाएंगे। तो चलो देखते हैं बैंगन मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। देखो, बैंगन मसाला बनाने के लिए इसी तरह के छोटे छोटे बैंगन होना चाहिए। मसाला बनाने के लिए मूंगफली, सूखा नारियल, अदरक, लहसुन, तिल, जीरा, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और इसमें मैंने गरम मसाला 1 चम्मच लिया है और 1/4 टीस्पून घर से बना हुआ गोड़ा मसाला लिया है, महाराष्ट्रियन गोड़ा मसाला। टेस्ट के लिए नमक, करी पत्ते और कटा हुआ हरा धनिया। बैंगन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तिल, मूंगफली, नारियल, अदरक, लहसुन को अच्छी तरह से पीसना है। देखो, इधर मैंने मिक्सर की जार ली है, इसमें डालेंगे मूंगफली और तिल। पहले मूंगफली तिल को अच्छी तरह से पीसते हैं। देखो, इसी तरह से मूंगफली तिल को अच्छी तरह से पीसा है, बहुत अच्छी तरह से बारीक पाउडर बनाई है। देखो, ये मूंगफली और तिल को निकालते हैं। देखो, इसी तरह की बहुत अच्छी फाइन पाउडर बननी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और नारियल, सूखा नारियल। देखो, इसमें मैंने अदरक, लहसुन और सूखा नारियल डाला है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्सर में पीसना है। चलो मिक्सर में पीसते हैं। देखो, इसी तरह से अदरक, लहसुन और नारियल को अच्छी तरह से पीस के लिया है। बैंगन मसाला बनाने के लिए देखो, इसी तरह से अदरक, लहसुन, नारियल और मूंगफली तिल अच्छी तरह से बारीक करके लिया है। देखो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, मैंने अभी तक बैंगन को कट नहीं किया, क्योंकि पहले मसाला बनाएंगे, मसाला बनाने के बाद बैंगन को कट करेंगे। आपने पहले से ही बैंगन को कट करके रखा तो बैंगन अंदर से ब्लैक होता है, काला होता है, तो इसीलिए मैंने बैंगन को देखो अभी तक कट नहीं किया। हम इस बैंगन को बाद में कट करेंगे। देखो, ये बैंगन मसाला हम थोड़ा अलग तरह से बनाएंगे। आप डायरेक्ट बैंगन मसाला, देखो इसी तरह से ये मसाला बनके तैयार है। सारी चीजें मसाले डाल के एक साथ मिक्स करके भी, बैंगन को कट करके इसके अंदर भर के भी आप बैंगन मसाला बना सकते हो, इसके अंदर भर के भी आप पका सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले हम ये सारे मसाले अच्छी तरह से भुनेंगे और भुना हुआ मसाला हम इस बैंगन में भरेंगे। जब आप इसी तरह से बैंगन मसाला बनाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बैंगन मसाला बन जाता है। तो चलो बैंगन मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मसाला पीसते समय मैंने पानी भी नहीं डाला है। जब आप इसी तरह से मसाला बनाओगे, मसाला पीसेंगे, तो जल्दी से मसाला भून जाता है। गैस के ऊपर पैन गरम करने के लिए रखा, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। देखो, तेल गरम होने लगा है, जीरा डाल लेते हैं। जीरा भूनने लगा, अब हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते डालने के बाद इसमें एक अदरक, लहसुन और नारियल पेस्ट डालेंगे। ये नारियल की पेस्ट बनाते समय भी मैंने पानी नहीं डाला, इसके साथ साथ हल्दी डाल लेते हैं। मिक्स करेंगे, नारियल अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे। ये पीसी हुई मूंगफली और तिल की पाउडर डाल देते हैं। ये सारी चीजों को फिर से मिक्स करेंगे। आपको मूंगफली पसंद नहीं है तो आप काजू पाउडर भी डाल सकते हो। 1 मिनट और इसको भूनेंगे, तेल अलग होने तक भूनेंगे। देखो, इसमें से काफी तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, टेस्ट के लिए नमक, मिक्स करेंगे सारी चीजों को। अभी गैस की आंच बिल्कुल धीमी करना है, ताकि हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है। देखो, अच्छी तरह से ब्राउन ब्राउन दिखने लगा। देखो, मैंने गैस की आंच बिल्कुल ही धीमी की है। अब हम इधर बैंगन कट करेंगे। चलो बैंगन को कट करते हैं, गैस की आंच बिल्कुल धीमी करते हैं, ताकि मसाला भी अच्छी तरह से बनना चाहिए। ज्यादा मसाला आपने भूना है तो गैस बंद किया तो भी चलेगा। देखो, इधर मैंने बैंगन लिया है, इस बैंगन को देखो इसी तरह से हम कट, देखो इसी तरह से हमें सारा बैंगन कट कर। देखो, इसी तरह से ये सारा बैंगन मैंने कट करके लिया है। चलो इस बैंगन में भुना हुआ मसाला हम भरेंगे। देखो, इसी तरह से ये मसाला
भून के अच्छी तरह से तैयार है और एक गर्मा गर्म मसाला हम बैंगन में भरेंगे। चम्मच से ये मसाला अच्छी तरह से भरना है। इसी तरह से बैंगन पकड़ेंगे और एक गर्म मसाला हम इसमें भरेंगे। इसी तरह से चम्मच से दबा के मसाला भरेंगे। आपको ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप थोड़ा ठंडा होने के बाद भी भर सकते हो, लेकिन जब आप इसी तरह से भुना हुआ मसाला बैंगन में भरोगे तो अंदर तक मसाला की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। देखो इसी तरह से चम्मच से दबा के मसाला, चलो इसी तरह से हमें सारा मसाला बैंगन में भरेंगे। मैंने बहुत छोटे बैंगन लिया है इसीलिए इसमें ज्यादा मसाला नहीं भर पाऊंगी मैं। देखो इसी तरह से मैंने सारे बैंगन में मसाला भरा है। अभी हम ये बचा हुआ मसाला में पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। आपको बैंगन की करी पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। लगभग मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। अभी इसको उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे। देखो अच्छी तरह से उबाल आया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बैंगन। देखो बैंगन को मैंने मसाला भरा है और पकने के बाद भी ये मसाला इसी तरह से रह जाए। चलो इसी तरह से इसमें बैंगन डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला और एक बोरा मसाला डाल देते हैं ऊपर से, मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से अच्छी तरह से उबल आया है। अब हम गैस की आंच बिल्कुल धीमी करेंगे और पैन के ऊपर ढक्कन रख के धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में बैंगन अच्छी तरह से पक जाएगा। तो चलो इसी तरह से बिल्कुल ही धीमी आंच पर हम पकाएंगे 15 मिनट में। बहुत अच्छी तरह से ये बैंगन मसाला बनके तैयार है। जैसे आपको जितनी गाढ़ी इसकी करी चाहिए, जितनी पतली चाहिए उस तरह से आप रख सकते हो। बहुत अच्छा टेस्टी ये बैंगन मसाला बन रहा है। देखो इसमें बहुत तेल अलग होने लगा है। आपको इतना तेल पसंद नहीं है तो आप कम तेल डालिए। अगर वैसे तो हमने 3 नारियल डाला है। देखो कितनी अच्छी तरह से ये बैंगन मसाला बन के तैयार है। अभी मैं गैस बंद करती हूँ और इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा एक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने बैंगन में मसाला भरा था तो बैंगन से मसाला बाहर भी नहीं निकला। देखो कितनी अच्छी तरह से अंदर तक अभी तक ये मसाला है। इस बैंगन की टेस्ट बहुत ही अच्छी और टेस्टी लग। चलो मैं इस बैंगन को एक बाउल में निकालती हूँ। लीजिए इसी तरह से गर्मा गर्म बैंगन मसाला बन के तैयार है। देखो कितनी अच्छी तरह से और टेस्टी भी ये बैंगन मसाला बन गया है। बैंगन मसाला बनाते समय इसमें मैंने प्याज टमाटर नहीं डाला है। आपको प्याज टमाटर पसंद है तो आप प्याज को भून के टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते। बैंगन मसाला आप रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हो। तो चलो आप भी जरूर इसी तरह से बैंगन मसाला बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आए। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ सजेशन है, क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।